अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने क्लाइमेट संकट से निपटने के लिए $2 अरब के निवेश का ऐलान किया है। ये निवेश उनके बेजोस अर्थ फंड के माध्यम से किया जाएगा। जेफ बेजोस ने कहा कि उनका मुख्य फोकस कृषि योग्य जमीन में सुधार और खाद प्रणालियों को बदलने की दिशा में होगा। उन्होंने ग्लासगो में COP26 जलवायु सम्मेलन में मंगलवार को भाषण दिया और बताया कि जब उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की तो उन्हें प्रकृति की नाजुकता को समझने का मौका मिला। हालांकि बेजोस सहित वो लोग जो पृथ्वी पर समस्याओं को हल करने की बजाय अंतरिक्ष की सैर कर रहे हैं, उनकी आलोचना भी की गई। COP26 सम्मेलन में बोलते हुए जेफ बेजोस ने कहा कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में प्रकृति पहले से ही कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में बदल रही है। संरक्षण की कोशिशों पर ध्यान केंद्रित करने वाले जेफ बेजोस का हालिया ऐलान सितंबर महीने में $1 अरब के निवेश के ऐलान से अलग है। उन्होंने बताया कि इस रकम से उनका बेजोस अर्थ फंड 3 एजेंडों में काम करेगी, जिनमें जंगली स्थानों के संरक्षण, प्राकृतिक लैंडस्केप को बहाल करने और खाद्य परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने फरवरी 2020 में क्लाइमेट क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए $10 अरब के निवेश का ऐलान किया था, जो 2030 तक अलग अलग दिशाओं में खर्च किए जाने हैं। ग्लासगो में दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर अमेज़न के संस्थापक ने जुलाई में अपने रॉकेट न्यू शेपर्ड पर सवार होकर अपनी स्पेस यात्रा करने के अनुभव को साझा किया। जेफ बेजोस ने COP26 समिट में कहा, मुझे बताया गया था कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने से वो लेंस बदल जाता है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था कि ये कितना सच होगा। जेफ बेजोस ने COP26 समिट में अपने भाषण में कहा, पृथ्वी को ऊपर से देखने पर वातावरण इतना पतला लगता है, दुनिया इतनी सीमित और इतनी नाजुक है। अब इस महत्वपूर्ण सालों में, और जो हम सभी जानते हैं वह निर्णायक दशक है, हम सभी को अपनी दुनिया की रक्षा के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। सितंबर में बेजोस अर्थ फंड ने प्रकृति और स्वदेशी लोगों और संस्कृतियों के संरक्षण के लिए $1 अरब के निवेश का वादा किया था। मंगलवार को COP26 में $2 बिलियन के निवेश का ऐलान करते हुए जेफ बेजोस ने कहा कि अफ्रीका की 2/3 उत्पादक जमीन खराब हो गई है, लेकिन इसे फिर से वापस हासिल किया जा सकता है। जेफ बेजोस ने COP26 को बताया, बहाली मिट्टी की उर्वरता में सुधार कर सकती है, पैदावार बढ़ा सकती है और खाद्य सुरक्षा में सुधार कर सकती है, पानी को ज्यादा विश्वसनीय बना सकती है, रोजगार पैदा कर सकती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। साथ ही जेफ बेजोस, सर रिचर्ड ब्रेंसन और एलोन मस्क अंतरिक्ष व्यवसाय का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी आलोचना हो रही है। पिछले महीने प्रिंस विलियम ने सुझाव दिया कि उद्योगपतियों को अंतरिक्ष पर्यटन शुरू करने की बजाय पृथ्वी को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।